नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सब लोग का अपने चैनल में। तो जहाँ आज मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ जुहू चौपाटी को, जो मुंबई में है और जो मेरे घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं, आज वहाँ जाकर थोड़े पानी में खेलना है, घूमना है और बहुत कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे अगर चल रहे होंगे एक्टिविटीज। तो चलिए चलते हैं जुहू चौपाटी की ओर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट व्यू देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं और वहाँ जाकर के आप लोग को दिखाते हैं। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम जुहू बीच पहुंच चुके हैं। ये देखिए जुहू बीच का नजारा। तो मैं रोड पे हूँ, अब जा रही हूँ धीरे धीरे अंदर। चलिए चलते हैं फिर अंदर। देखिए फोटोग्राफर भी घूम रहे, जिन्हें फोटो क्लिक करवाना था वो लोग फोटो क्लिक कर देते हैं, इंस्टेंट फोटो क्लिक करके देते हैं वो लोग। नहीं 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 चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बस लहरें भी काफी दूर चली गई हैं, नहीं तो लहरें तो यहाँ इतने नजदीक तक आ जाती हैं, देखिए यहाँ तक पहुँच जाती हैं। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं नज़दीक से जुहू बीच का नज़ारा। देखिए आज स्टॉल खुल गए हैं, वरना मैं अभी तक तो आई थी लॉकडाउन के बाद, तब तक तो बंद ही रहते थे, बट आज खुल गए हैं खाने पीने के स्टॉल सब। जिन्हें बलून चाहिए बच्चों को, वो बलून भी ऊपर मिल रहे हैं। लाइट जल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पानी के पास आ गए हैं, पानी में अंदर खड़े हैं। देखिए लहरें भी आ रही है, देखिए कितनी अच्छी लहरें आ रही हैं। लोग जिन्हें नहाना है वो लोग मस्ती कर रहे हैं पानी में। ये देखिए लहरें, बादल भी गरज रहे, लगता बहुत तेज बारिश आने वाली है। तो फोटो के लिए पूछ रहे हैं, फोटो क्लिक करवाना है कि नहीं, हमें तो नहीं करवाना। ये देखिए चलिए आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। लहरें बहुत अच्छी से आ रही है, बहुत मजे। देखिए लोग कितने अंदर जा चुके हैं, बट मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। देखिए बच्चा मस्ती कर रहा है, सब फ्रेंड्स लोग के साथ आए हैं। ये देखिए सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जिन्हें जो करना है वानी वो लोग करते जा रहे हैं, मस्ती खूब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। वाओ, लहरों की आवाज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको थोड़े दूर दूर दिख रहे होंगे मुंबई के जुहू बीच के आसपास के बिल्डिंग, सी फेस हाउसेस आपको दिखा देते हैं इस तरफ। ये देखिए, ओहो ये देखिए कितनी तेज लहर आई। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है पानी के बीच में घूमना फिरना। आप लोग अगर मुंबई आए तो यहाँ पे जरूर आए, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। कपल्स लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। देखिए बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए देखिए लहरें थोड़ी अब तेज हो रही हैं, दूर से पता नहीं चल रहा था, पर नजदीक आने के पता चल रहा है कि लहरें काफी तेज आ रही हैं अब। पर कितना भी हो, बैंड स्टैंड की जितना लहरें तेज नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा तेज लहरें थी। बादल भी बहुत गरज रहा है, देखिए आसमान भी काला पड़ गया है। कब बारिश शुरू हो जाए पता नहीं। देखते हैं फूड स्टॉल के पास क्या क्या मिलता है। अभी तक तो वहाँ गई नहीं हूँ, क्योंकि जब भी आई हूँ वो बंद रहा है लॉकडाउन के बाद। जब भी आई हूँ लॉकडाउन के बाद, ये तीसरी बार मैं आ रही हूँ यहाँ पे। उसके पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, कभी कर रही हूँ। देखिए कपल्स लोग मस्ती कर रहे हैं, वो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कुछ कुछ सब लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं भी अपनी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़े से देर के बाद।
फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। उधर से भी सीन कुछ अच्छा दिखता है, कुछ अलग दिखता है। यहाँ तो सिर्फ पानी रेत जैसे दिखता है, आगे से कुछ और अलग दिखता है व्यूज। फिर आगे से चल के हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए लहरें धीरे धीरे आ रही हैं, अभी कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती हैं। वो देखिए दूर आपको दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर, उससे आप राइड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए इधर से ये सब सी फेस बिल्डिंग्स है। मैं तो आई थी सनसेट पॉइंट देखने के लिए, सनसेट व्यू देखने के लिए, बस बादल बहुत जबरदस्त हो गए हैं इसलिए व्यू बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत, बट अभी उतनी नहीं हो रही है जिससे हम वापस जा सकें। हल्की हल्की बारिश में भी अच्छा लगता है। देखिए ये देखिए फैमिली तो फोटो क्लिक करवाने के बाद फोटोज देख रहे हैं कौन सा फोटो इन्हें चाहिए। यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा अच्छा से व्यवस्था है। नहीं चाहिए। समुद्र में आए और पानी के साथ मस्ती न करे तो फिर बात क्या, थोड़ा भींगना तो बनता है, अच्छा लगता है। सिर्फ फैमिलीज, अपनी अपनी फैमिलीज लगे हुए फोटो के साथ लेने के लिए। ये देखिए वहाँ पे लोग रनिंग कर रहे हैं, लोग जिन्हें जॉगिंग करना है अपने जॉगिंग कर रहे हैं, जिन्हें वॉक करना है वो वॉक कर रहे हैं। काफ़ी दूर में ये बीच, काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस बीच का, अच्छा लगता है इस पॉइंट से उस पॉइंट में जाना पानी के साथ मस्ती करते हुए। ये देखिए वहाँ सेल्फी चल रहा है पानी के साथ, जुहू बीच। इतना सुनने में अच्छा लगता है, उतना यहाँ पास आकर देखने में भी अच्छा लगता है। मैं जितनी बार आई हूँ इतनी पहली बार इतना बीच मैंने खाली देखा है, वरना कभी भी खाली इतना नहीं दिखता था। लॉकडाउन के बाद पहली बार आई हूँ, पहली बार तो नहीं तीसरी बार आई हूँ, इतना खाली तो नहीं दिखा था, बट अच्छा लग रहा है। ये देखिए इतना खाली खाली सब, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ लहरों की आवाज़ आ रही है, मौसम भी उतना ही खुशनुमा हो गया है, रोमांटिक सा हो गया है मौसम। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आज। तो देखिए डॉगी को भी जुहू बीच के सैर करवाने के लिए लेकर आए हैं, इतनी दूर है वो। देखिए लाइटिंग भी हो गई, सारे लाइट्स जल गए, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए वो कपल अपने फोटो क्लिक कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये रहा जो हमारा जुहू बीच का नजारा। ये देखिए ये स्टॉल है, एक शॉप जैसे हैं सारे खाने पीने का, बट अभी हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी हमें वापस रिटर्न होना पड़ेगा। ये देखिए हम लास्ट से हम आप लोगों को व्यू दिखा दे रहे हैं, जुहू बीच का लाइटिंग हो गई है, शाम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऐसा व्यू मैं भी पहली बार देख रही हूँ इतने दिन के टाइम में। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं वापस से क्योंकि बारिश हो रही है। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को और भी प्लेसेस का एक्सप्लोर करती रहूँगी। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।